तो हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और जैसा कि आप लोग का 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अब आप लोग का जो मेन है वो है कंपटीशन एग्ज़ाम। तो अब आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को कैसे आप लोग को क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आपको अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। आप NDA की तैयारी कर रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो या NEET की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ये मैटर नहीं करता, बट मैटर ये करता है कि आप उस तैयारी को कर कैसे रहे हो, आप एंट्रेंस की तैयारी कर कैसे रहे हो। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, चार ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको, जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप जिस भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चार ऐसे पॉइंट्स की। पहली पॉइंट जो आती है वो आती है टू नो एवरीथिंग अबाउट द एग्ज़ाम। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो NDA हो सकता है, वो NEET हो सकता है, JEE हो सकता है, वो आपका कोई भी DU हो सकता है, BHU हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डजेंट मैटर। बट सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एंट्रेंस के बारे में, उस एग्ज़ाम के बारे में आपको A to Z हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है आपकी NDA, अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हो तो आपको NDA में क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस से लेकर के स्ट्रेटजी से लेकर के प्रिपरेशन से लेकर सॉरी प्रिपरेशन नहीं पैटर्न से लेकर के पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का एनालिसिस क्या है, पेपर का ट्रेंड क्या है, वो सब आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे, वीडियोज़ में कुछ आगे सर के वीडियोज़ आ भी रहे होंगे अभी। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका पेपर है, उसके बारे में आप जानो, हर चीज़ निकाल लो, मतलब एक तरीके से पूरा उसका काला चिट्ठा निकाल लो, पूरी हिस्ट्री निकाल लो कि इसमें आज तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया, लोवेस्ट कट ऑफ कितना गया, जिससे कि आप एक एक्यूरेट बोल सकते हैं ना कि आपको परफेक्ट जब नॉलेज रहेगा तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर लेवल पे कर पाओगे। अब दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना वो है वाई क्लियर करो। वाई क्लियर करने का मतलब क्या है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो NDA हो रहा है या JEE कर रहे हो या NEET कर रहे हो या BHU का कर रहे हो या DU का कर रहे हो या CU CET का कर रहे हो या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, यार आप उस इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हो, आपको वो इंट्रेंस एग्जाम निकालना क्यों है। अगर आपका ये वाई क्लियर है ना कि आपको वो करना क्यों है, तो आप 110% कर ले जाओगे। क्योंकि अब अगर आपको अपना वाई ही क्लियर नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना क्यों है, तो आप मेहनत कैसे करोगे, यार मोटिवेशन कहाँ से लाओगे। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्यों निकालना है। आपका सपना है BHU, आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका सपना है IITs, NITs, MBBS कॉलेजेस, या फिर केवल आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर के एक दिखावे का प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप दिखावे का कर रहे हो तो आप मत करो, सीधी सीधी बात है। बट आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आप उस प्रिपरेशन को क्यों कर रहे हो। यार अगर आपका वाई क्लियर है ना दोस्त, तो आपको कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन मस्ट। आपको कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वो JEE हो गया, NEET हो गया, आपका NDA हो गया, कुछ भी हो गया, यार मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको आप कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली इन द सेंस कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, आपको रिवीजन का जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हो उसमें आपको कंस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक दिन 5 घंटे पढ़ लो, एक दिन 10 घंटे पढ़ लो, एक दिन 2 ही घंटे पढ़ो, एक दिन पढ़ो ही नहीं। इससे क्या होता है ना दोस्त, आपका कोई पढ़ाई मायने नहीं रखता है। मायने इन द सेंस कि अगर आप एक कंसिस्टेंट, आप एक कॉन्स्टेंट पढ़ाई करते हो तो वो बहुत ही बेटर रिजल्ट शो करती है। अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, एक दिन बहुत कम, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता। बट आपको अगर एक कंसिस्टेंट, एक रूटीन फॉलो करके, एक स्टडी टाइम टेबल फॉलो करके अगर आप पढ़ाई करते हो, तो 110% आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्लियर होगा। 110% कंसिस्टेंसी मस्ट होती है, कॉन्स्टेंट रहना आपको किसी भी काम में मस्ट होता है। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ेगी, अपनी रेगुलरिटी एग्जाम के प्रिपरेशन में बनाई रखनी पड़ेगी। वो एग्जाम कैंसिल हो तो नहीं बोल सकते, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन भी होता है ना, इट डजेंट मैटर, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चौथा चीज़ आता है, वो आता है योर नोट्स इट्स योर ड्रग्स। आपके लिए आपका जो नोट्स है ना दोस्त, वो ड्रग होना चाहिए। ड्रग इन द सेंस कि जैसे आप देखो, इस चीज़ को गलत मत लेना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर अल्कोहलिक लोग हैं तो वो अल्कोहल लेते रहते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ के आदती बन जाते हैं, उनको हर समय अल्कोहल चाहिए। वैसे ही आपको नोट्स का ड्रग लेना पड़ेगा। देखो ये चीज़ें बहुत हटके होती हैं, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है ना, ठीक है, तो आपको जो भी आपके नोट्स हैं उनको अपना ड्रग बना लेना यार। हमेशा उनको रिवाइज करते रहो, उनको याद करते रहो, उनको माइंड में फिट करते रहो, इमेजिन करते रहो, जिससे कि आप एक हो सकता है ना कि उससे टच में रहो, एनर्जीज फ्लो होती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर जूनियर्स, तो हमेशा अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, जिससे कि आप प्रॉपर
नॉलेज ले पाओ, प्रॉपर कनेक्ट रहो अपने सब्जेक्ट के साथ और आप एग्ज़ाम में वेल परफॉर्म्ड वे में अच्छा खासा रिजल्ट दे पाओ, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाओ, अच्छा प्रेजेंट कर पाओ अपने एग्ज़ाम को, अच्छे से दे पाओ और उसमें सलेक्शन पाओ। और मेरी भगवान से दुआ रहेगी, प्रार्थना रहेगी, मनोकामना रहेगी आप लोग अच्छा से अच्छा सलेक्शन पाएँ, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जाएँ, अच्छी अच्छी NITs, IITs, BHU, DU's, जो भी आपका सपना है आप उस चीज़ को गेन करें। और अपना सपना कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ड्रीम है, आप कौन सा एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, कौन सा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्रिपरेशन जयान लगा के करिएगा।